तो आज सुबह को मैं उठा और बहुत सारे थॉट्स के साथ मैं आज सुबह को उठा। ये कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ सुबह को उठा नहीं, बहुत ज्यादा थॉट। सबसे पहला कि कल मेरे को 500 व्लॉग्स हो गए यूट्यूब पे डालते हुए, मतलब 500 से आई एम श्योर ज्यादा ही हुआ, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि व्लॉग्स जब मैं करता था तो मैं पार्ट्स में करता था व्लॉग, मतलब व्लॉग नंबर 12 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वैसा, तो उसके हिसाब से तो ज्यादा ही हो गया। बट कल ऑफिशियली मैंने 500 व्लॉग्स कंप्लीट कर लिए, तो मतलब बड़ा बात है भाई। 500 व्लॉग खाने का काम नहीं है, बहुत ज्यादा होता है 500। यही मंथ में मेरे को 3 साल भी हो गए यूट्यूब करते हुए, वो भी मैंने मिस कर दिया, मेरा 500वां व्लॉग भी मैंने मिस कर दिया। इसके लिए क्योंकि मेरे को है ना, मतलब विजडम टूथ आ रहा है, और विजडम टूथ अक्कल दाढ़ जो पीछे का 32 बोल लो तुम लोग आ रहा है, और वो बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, मतलब इतना ज्यादा पेन कर रहा है। पिछले एक वीक से मैंने किसी से बोला नहीं, मैं कंसिस्टेंट व्लॉग भी कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, मैं अपना क्लास भी ले रहा हूँ। आज कल से मेरा वो कुछ ज्यादा ही पेन होने लगा, तो मेरे मम्मी के साथ भी शेयर किया, और फिर आज मैं तुम्हारे साथ भी कर रहा हूँ। वही है यार कि मतलब इट फील्स गुड। 2022 का जो महीना है, जो साल है, उसमें मैंने सोचा था कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। ऑलमोस्ट 2 महीने से मैं रेगुलर व्लॉग डाल रहा हूँ, भी हो जाए रेगुलर, कुछ ना कुछ करके मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसके लिए। एट दिस पॉइंट मेरे को पता नहीं है कि मेरे को इमोशनल किस चीज को लेके होना चाहिए, मैं कंसिस्टेंट हूँ इसके लिए, या तो मेरा अक्कल दाढ़ बहुत ज्यादा पेन कर रहा है उसके लिए। मुंह खोलने भी नहीं हो रहा है। तो ये सारा सब कुछ छोड़ता, वेलकम बैक टू द चैनल। अब मुझे ऑन YouTube 500 ब्लॉग गाइस, नाचो सारे मिलके, मैं जोर जोर से नाचो। और मेरे को बताओ आप सारे कैसे, बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत मजे में। बस ये बड़ा दर्द कर रहा है। आई विल तुम्हारा भाई जिम जाएगा, लेग वर्कआउट करेगा। देखो तुम, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी लाइक ऐसे पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ पर मेरे को अपने काम से इतना प्यार हो गया, मेरे को अपने काम से इतना प्यार हो गया कि मेरे को अब नंबर्स मैटर नहीं करते। माइलस्टोन सेलिब्रेट करने से ज्यादा शायद से एवरी डे जब मैं ब्लॉग करता हूँ या मैं अपलोड करता हूँ या मैं काम करता हूँ, वो चीज टूवर्ड्स द एंड सेलिब्रेट करने का मन करता है कि शिट आज भी किया ब्रो। समझ में आ रहा है ना तुमको? हाँ भाई, बातचीत तो है ये लड़के में, सोचता हूँ गिव अवे कर दूँ। मेरे लिए तो रोज करना मेरा चॉइस है, बट तुम लोग ने 500 के ऊपर बार मेरे को देखा, इतना देखा, इन 2 आंखों से कितना देखा, तुम्हारे लिए कुछ करने को बनता है। दिल तो करता है जितने भी लोग देखते हैं सबके लिए करूँ, इंशाल्लाह करूँगा। सुना ही है राइट टाइम पे पानी भरे ले, मैं रब का बंदा। बाय द वे ये ग्रीक योगर्ट है, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मंचिंग स्नैक। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा क्रैनबेरीज डाला हुआ है, बस इसका यही एक है, बड़ा महंगा आता है, बट फिर वही है ना, जान बनाना, मेंटेन करना, सस्टेन करना, अभी के टाइम पे हेल्दी रहना एक्सपेंसिव। तो योगर्ट खाने के बाद मेरा टूथ इतना पेन कर रहा था, मेरे को नहीं पता तुम लोगों को दिख रहा है या नहीं, बट रिया ने मेरे को बोला कि मेरा ये साइड थोड़ा सा स्वेल हो गया है। दिख रहा है क्या तुम लोग को? जिनको नहीं दिख रहा उनको अभी दिख रहा रहेगा। तो मतलब जेन्युइनली सीरियस है, मैंने अभी प्री वर्कआउट ले लिया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपना लेग वर्कआउट हिट करने के लिए। तो मैं फट से चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं तुम लोग को जिम में मिलता हूँ सीधा। जरूरी है, तुम लोगों को भी मांगता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले लेने को मांगता है।
25% ऑफ मेरा कोड यूज करें, सब डिटेल डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में तुमको मिल जाएगा। ये अभी फिलहाल मैं ले रहा हूँ वे आइसोलेट आइसोबीस्ट, डिफरेंस खाली इतना है दोनों में, इसका पाचन थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है। बड़ा फायदा है मेरे साथ रहने का। किस बात के लिए? मैं ग्रे चप्पल, ग्रे टी शर्ट तो ग्रे चप्पल। गाइस मेरा दांत दुख रहा है, मेरे को कोई नहीं कुछ बोलेगा। हाय गाइस, तो अभी मम्मा वैसे तो चप्पल पहन रहा है बट मुझे कुछ और बोलना था। Guys, बहुत तेज बारिश हो रहा है, and of course, हम लोगों को जब बाहर जाना था उससे 5 मिनट पहले बारिश स्टार्ट हुआ है। But, yep. Guys, we have safely made it to the car. Even though मुझे कैमरा अपनी टी शर्ट के अंदर छुपा के भाग के आना पड़ा, जो बिल्कुल भी एम्बैरेसिंग नहीं था, बट चलेगा, कैमरा से बड़ा है क्या खुद का इज्जत? इज्जत ज्यादा बड़ा है, कैमरा ज्यादा बड़ा है। नहीं, इज्जत ज्यादा बड़ा है तुम्हारा। तुम हंस क्यों रहे? ओह फक, डॉगी के लिए अंडा लेके आना था, अंडा वहीं पे रख के आ गई। और एनीवे गाइस, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग रोहिणी जा रहे हैं। सिंस मेरे को 500 ब्लॉग्स हो गए हैं, तो लड़की को मतलब देखो, सबको तो अभी तुम लोग को ट्रीट नहीं कर सकता, बट मेरे को किसी ना किसी को तो ट्रीट करना पड़ेगा आउट ऑफ कर्टेसी। तो मैंने सोचा मेरे ममान को ही ट्रीट कर दूं मैं, है ना। और तुम्हारे लिए तो मैं गिव अवे कर रहा हूँ, ममान तुमको हेल्प करना पड़ेगा। मैं गिव अवे में क्या कर सकता हूँ? हाँ, सोचने के लिए चॉकलेट पीते पीते सोचते हैं। इसी मैंने गाइस तुम लोगों को ये भी बता दिया कि हम लोग और चॉकलेट पीने जा रहे हैं। एक बहुत एक थोड़ा मतलब ऐसा काइंड ऑफ अभी हर जगह मैं उसका पोस्ट देख रही हूँ। अब मुझे पता नहीं है स्पॉन्सर्ड है या फिर एक्चुअली अच्छा है, बट या हम बताएंगे एक्चुअली अच्छा है नहीं है, है ना भाई? अनस्पॉन्सर्ड, अनफिल्टर्ड, ऑनेस्ट। ओके गाइस, आई विल सी यू इन अ व्हाइल। तब तक रोड अगर कहीं पे प्रिटी दिखेगा तो उसका मॉन्टाज। स्पॉन्सर्ड नहीं लगता क्या ये जो भी कर रहे? हाँ? तुमने जो इंस्टाग्राम पे देखा है ना, बट नाइस लग रहा है, कूल लग रहा है। गाइस ये एडिबल ग्लास है, मतलब ये खा सकती है। हाँ, ये कितना मशरूम बोल रही थी, मार्शमेलो कितना क्यूट है, फ्लावर जैसा। अच्छा लगा। डंग करूं इनको, डंग करूं। मजा आ रहा है तुमको? हाँ, वो डिप डिप हो रहा। ठीक समझ नहीं आया, हॉट चॉकलेट नहीं है ये, बस मोल्टन चॉकलेट है। नाइस है, फन है थोड़ा सा, बट हॉट चॉकलेट नहीं है क्योंकि वैसे भी ठंडा है ये। ठंडा हो गया इतना टाइम शायद वहां पर रख के। मोल्टन चॉकलेट है बट टेस्टी है। मतलब मीठा कोई भी चीज टेस्टी होता है, चॉकलेट का ये हुआ तो। मतलब ऐसा कुछ रोहिणी तक आने ऐसा नहीं है, आसपास में रहोगे तो ठीक है, आ जाना। मार्शमेलो बहुत सुंदर है और वो तो हमारे घर के बाजू में भी मिल जाता है, बट मजा आ रहा है। ओ एडिका 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 पेडिका चडिका, ये दांत दुख रहे हैं ना थोड़ा सा? अच्छा रहे फिर, बहुत दांत दुख रहेगा गाइस। मतलब मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, मतलब मैं यही करने वाला था। मैं तुमको इसको खाते हुए दिखाता हूँ कि मैं ना लोग ऐसा लगेगा ना कि वो लोग भी खाते हुए मेरे साथ सुन रहे। ओके
कि मैं मतलब यही करने वाला था कि हम दोनों भी पढ़े हुए थे और मेरा दांत इतना दुख रहा था, मैं मतलब नहीं भी आता इधर तक और बोल देता तुम लोग को कि भाई दांत दुख रहा था इसके लिए नहीं जा पाया बाहर, बारिश भी गिर रहा था ये भी बोल देता बता देता तो तुम लोग मान जाते। नाइस है ग्लास, नाइस है क्या है ग्लास में? पता नहीं, तोड़ना नहीं बस छोटा बाइट लेना क्योंकि उसके अंदर अभी है बिस्कुट जैसा। चाय के दुकान पे बिस्कुट मिलता है ना, इसलिए मैं आ गया तुम्हारे लिए। और 500 व्लॉग्स भी हो गए, तुम भी घर पे बैठा था बट 500 व्लॉग्स में बहुत हंसे तुम, जो कि लास्ट वाला व्लॉग है, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखना चाहिए। हम लोग दोनों लड़े कुत्ते जैसा, वो समझे एग्जैक्टली उसकी तरह। वो ट्रांसपेरेंट बॉक्स में जो कुकीज आते हैं तुमको पता है, जनरल स्टोर पे जो मिलते हैं जो रस्क वगैरह के साथ जो मिलता है, चाय के दुकान वाला भी सेम होता है। जो कांच के बर्नी में चाय का दुकान में रखा हुआ है। कौन सा चाय का दुकान? मैंने लाइफ में कभी चाय का दुकान नहीं देखा मूवीज के अलावा। मुंबई में जो बहुत होता है नहीं, ये कूल चीज है भाई ग्लास खाने वाला, है ना? और अच्छा भी लग रहा रहेगा ना अभी उसके बाद। ओए बंद करने के बाद ओंगता था, मैंने सोचा कुछ खुल रहा था मेरे को हाथ डाल के देख लेना चाहिए मेरे लिए कुछ खाने को है क्या नहीं अंदर। गाइस मेरे हिसाब से वो हॉट चॉकलेट अच्छा है, तुम जाके ऐसा ट्राई कर सकते हो बट वन टाइम ट्राई करने ऐसा इतना भी खास नहीं है। हाँ मतलब उसका आउटर शेल बिल्कुल जैसा मैंने बोला वो वाले कुकीज जैसा है और अंदर हॉट चॉकलेट नहीं है, सिर्फ मोल्टन चॉकलेट है। मार्शमेलोज अच्छे हैं बट मोल्टन चॉकलेट क्या होता है? अरे नॉर्मल चॉकलेट को पिघला के, सब उनके लिए पूछा मेरे को तो पता है। तुम्हारे नाम पे हमने भी जान लिया गाइस। एक एकदम सीरियस ये करना चाहिए, जैसे रशिया और यूक्रेन में जो चीज हो रहा है बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा सैड है। जो भी हो रहा है मतलब इतना अभी इतना एजुकेटेड होके इतना वोक होके इतना सोशल मीडिया ये सब होके ये सब होता है फिर अच्छा नहीं लगता है। ऐसा यूक्रेन से कोई भी मेरा ब्लॉग देखता होगा तो हमारे एकदम गुड विशेस है तुम्हारे साथ, है ना? हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, जितना हमारे छोटी कैपेसिटी में है हम लोग उतना हम लोग कर सकते हैं बट डेफिनेटली हम लोगों के प्रेयर्स में तो है ही वो लगता है कि ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि हम लोगों का पूरा जनरेशन मतलब एज अ होल हम लोग मीम्स के थ्रू ही हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग हील होते हैं, हम लोगों का फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है मीम्स, राइट? खुश होते हैं तो सैटायर है, मीम्स है, बट आई डोंट थिंक इट्स नाइस। आई पर्सनली थिंक इट्स वेरी इनसेंसिटिव कि हम लोग किसी और की ट्रेजेडी पे हम लोग मीम्स बना के हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं फॉर वॉट? फॉर लाइक 2-3 सेकंड का अपना अम्यूजमेंट के लिए, थोड़ा एंगेजमेंट के लिए, ताकि तुम लोग थोड़े अप टू डेट। आई डोंट थिंक इट्स आर ट्रेजेडी टू मेक मीम्स अबाउट। अगर वो हमारे साथ होता तो हमारा हमारे हाथ में होता, अगर हमें उसे हंस के निकालना है। मैंने आज सुबह को जब वीडियो देखा, मैंने तुमको भी फॉरवर्ड किया ना, वो मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा स्कैरी था। वो होने के बाद मेरे को पता चल रहा है कि मेरे ऊपर से मिसाइल जा रहा है, मतलब मेरे को दिख रहा है। तो वो चीज भूलना नहीं चाहिए बिकॉज इस दुनिया में कोएग्जिस्ट करना है एंड आई जस्ट होप दैट कर्मा डस नॉट किक और बाइट एनीवन इन द एस। बट इट्स जस्ट वेरी सैड अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो तो आई थिंक एवरीवन शुड स्टॉप, इट्स जस्ट नॉट कूल। वही और बाकी हमारा काम है बोलने का। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम भी वही कर रहे हैं, तुम भी वही करो। कुछ ये कि हमारे मीडियम के थ्रू हम एक मैसेज डाले जो हमारी तरफ से जाए, हम लोग को मतलब बाद में जाके ऐसा रिग्रेट ना हो कि हमने कुछ किया नहीं, हमारे पास प्लेटफॉर्म होते हुए हमने कुछ नहीं किया। वही और बाकी तुम्हारे भाई को 500 व्लॉग्स हो गया और मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं वो व्लॉग का नंबर नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि मतलब वही है, अभी कोई सेंस नहीं बनता, मतलब 1000 भी व्लॉग होंगे। तुम लोग के लिए कुछ स्पेशल करने के लिए मैंने सोचा है कि मैं आज रात को 9 बजे हम दोनों ने भी सोचा है कि न्यू हैश का जो एक शर्ट है हमारा, कुछ कुछ फेवरेट ड्रॉप है, वो हम लोग गिव अवे करेंगे 2 जन को, है कि नहीं? गिव अवे के रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आज रात को 9 बजे मैं पोस्ट करूंगा, उस पर तुमको अपने 2 फ्रेंड्स को मेंशन करना है, मेरे को फॉलो करने का, न्यू हैश को फॉलो करने का, रिहैश को फॉलो करने का, और कमेंट करके एक फिक्शनल स्टोरी बताने का तुम लोग को कि तुम लोग मेरे से कैसे मिले। ठीक है, फिक्शनल स्टोरी मतलब वो रियल नहीं होना चाहिए कि मतलब हाँ यूट्यूब पे मिले बट उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, थोड़ा सा फन बनाओ। जैसे मैं न्यूयॉर्क में था तभी मैंने, तू स्विंग करके जा रहा था
और मैं जब भी कचरा डंप कर रहा था तो मैंने देखा कि तूने अपना स्पाइडरमैन का मास्क खोला और तू ही था वो स्पाइडरमैन, तो हाँ। मतलब ऐसे मैं तेरे से मिला तो समझ में आया ये या ऐसा। फिर मैं छोटे से पॉन्ड में मेरा नैया चला रहा था और मैंने ऐसे दूर देखा कोई दूध बेच रहा था चिल्लाता वो, फिर मैंने और ऐसे ध्यान से देखा तो मैया, ये ऐसा ऐसा स्टोरी मतलब हाँ मतलब मैंने कूल बोला और इसने फनी बोला। अच्छा हाँ तुम मुझे कैसा भी फनी बोल पॉइंट सकते बोले। हो कि जैसा भी है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, हो सकता है कि उसके ऊपर ही हम लोग नेक्स्ट व्लॉग कर ले और विनर भी अनाउंस करें, है कि नहीं? तो मेक श्योर करो, अभी सब मैंने बोल दिया वो ध्यान में रखो, ऐसे भूल मत जाओ करते करते, क्योंकि अपनी पब्लिक वैसी ऐसा है करके वर्ण हमारी निकाले। जैसी है, हाँ हमारी जैसी। बट मैं काम के टाइम पे याद रखता हूँ सब कुछ करता हूँ, बट मेरे को काम याद रहता है सब, अपना काम छोड़ता नहीं है। तो मारेंगे ठीक है। तो वही है गाइस, आज के लिए अपन इतना ही रखते, तुम लोगों को पता तुम लोग क्या करने है कि नहीं, तुम लोगों ने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंगेजमेंट बढ़ाने का भाई अरे का दुआ दुआ तो करने का ही है एक यार, यार। दुआ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, ऑलराइट टेक केयर, बाय, गाइस। पीस। कैन यू सी द शाइन? अरे गाइस इतना नाइस हवा चल रहा था गाड़ी में बैठ के, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट गाड़ी में बैठ के ये गाना सुनना। आई थिंक गाइस सब लोग को छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करने चाहिए अपने लाइफ के, जो भी हो जैसा भी हो, बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव अराउंड यू गाइस, है ना? आई हैव हर, आई हैव यू गाइस, आई हैव अ कैमरा, वूश, लाइफ इज वंडरफुल गाइस।